नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा जारी है। आज उनकी यात्रा मधुबनी पहुंच रही है। आज वे जगतपुर गांव के महादलित और अति पिछड़ा टोले का जायजा लेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया जाएगा। उसके बाद उनकी यात्रा सौराठ के मिथिला चित्रकला संस्थान पहुंचेगी और सीएम वहां के सभागार में जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। सौराठ सभागार में ही उनकी विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री झंझारपुर जाएंगे, जहां कमला तटबंध पक्कीकरण कार्य का निरीक्षण करने के बाद अररिया संग्रामपुर गांव में मिथिला हाट का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री झंझारपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। हमारी टीम मौजूद है मधुबनी जिले के जगतपुर गांव में। ये गांव है जहां मुख्यमंत्री आएंगे और तकरीबन अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 12:30 बजे का समय होगा जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और सीधे जो मुख्यमंत्री की परिपाटी इस यात्रा के दौरान रही है कि मुख्यमंत्री लोगों से संवाद स्थापित करेंगे, गाँव का भ्रमण करेंगे, गाँव में लोगों से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के तमाम बड़े चेहरे और बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने जैसा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान अभी तक किया है, समाधान यात्रा में सीधा संवाद स्थापित करते हैं, उसके बाद जो भी कमियां पाई जाती हैं उसके लिए त्वरित तौर पर जो अधिकारी प्रधान सचिव और तमाम अधिकारी मौजूद होते हैं उनको दिशा निर्देश दिया जाता है, उसको समाधान उसका निराकरण करने का निर्देश दिया जाता है। देखिए, यहाँ मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया है, तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए। इसी गांव में मुख्यमंत्री को आना है। मेरे साथ हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट बिंदु मौजूद हैं। बिंदु, ये बताइए कि मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ? जी, आज मुख्यमंत्री हेलीपैड सौराठ में उतरेंगे और वहाँ से सीधा जगतपुर पंचायत आएंगे। यहाँ दलित टोला है, दलित बस्ती में भ्रमण करेंगे और यहाँ लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और यहाँ पे जो भी विकास कार्य चल रहा है उसका जायजा निरीक्षण करेंगे और फिर यहाँ के बाद सौराठ में जो है वहाँ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और वहाँ पे जीविका दीदियों के साथ भी वार्तालाप करेंगे और यहाँ के बाद सीधा अररिया संग्राम गाँव है, वहाँ मिथिला हाट का यह उद्घाटन है, तो उद्घाटन के बाद फिर रात्रि विश्राम आज मधुबनी में ही है इनका। ये बिंदु थे जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है विस्तार से। अभिषेक मेरे साथ कैमरे पे, अभिषेक जरा ये तस्वीरें दिखाइए। मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली को लेकर बेहद संवेदनशील रहते हैं। जगतपुर गांव में प्रॉपर इंतजाम किया गया है, वृक्ष लगाए गए हैं, जल जीवन हरियाली योजना के तहत यहाँ तालाब का भी निर्माण कराया गया है, पौधे लगाए गए हैं, वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है कि गांव के लोग वॉकिंग ट्रैक पे टहल पाएं, सुबह शाम अपनी जो एक दिनचर्या है उसमें वॉकिंग को शामिल कर पाएं। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। तमाम तस्वीरें हम जगतपुर गांव से और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की पहुंचाते रहेंगे। मुख्यमंत्री तकरीबन 1 घंटे इस गांव में रुकेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया मधुबनी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।